गूगल लेंस। गूगल का एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको मदद करता है ऐसे कामों में जो आपके लिए मुश्किल होते हैं या जिन्हें आप जानते नहीं, इन सभी कामों को आसान बनाता है गूगल लेंस। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गूगल लेंस के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आपका स्वागत करता हूँ अनलॉक टेक चैनल पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे गूगल लेंस। ये देखिए गूगल लेंस मेरे डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, ओपन लिखा आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन, व्हाट्स न्यू पता कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन गूगल का है, कब रिलीज़ किया गया था, कब अपडेट किया गया था। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ एक इंटरफेस दिखाई देगा आपको, आपका कैमरा ऑन होगा। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, आप नीचे ये पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये कॉपी को, टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा, सर्च कर सकता है सिमिलर प्रोडक्ट्स को, आइडेंटिफाई कर सकता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, डिस्कवर बुक्स को, मीडियाज़ को, और ये QR कोड को भी यहाँ पर इजीली स्कैन कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ये ट्रांसलेट जिस तरीके से करता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के ऊपर आप जाएंगे, आप स्टेटमेंट पर जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये मैंने ट्रांसलेट कर रखा है। ऊपर देख रहे हैं आप इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ ऑटो डिटेक्ट करता है ये। यहाँ पे इसने इंग्लिश को देखा है और इसके बाद ये हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। हम यहाँ से बैक आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा टेक्स्ट हिंदी में कर दिया है। जितना भी टेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं उसको ये रीड करने के बाद हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो काफ़ी शानदार ये एक यहाँ पर एप्लीकेशन है। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट पर आएंगे। टेक्स्ट पर आने के बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ से कट कॉपी करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। जो भी आपको कॉपी करना है आप यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने नोट्स पर जा सकते हैं। नोट्स पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर न्यू नोट्स में आकर और इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना एक्यूरेट इसने जो है उस डेटा को यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। तो ये था हमारा टेक्स्ट। इसके बाद हम आएंगे यहाँ, आप सर्च देख सकते हैं। सर्च पे जाने के बाद आप जो है यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं ये अदरक है, जो जिसे हम हिंदी में अदरक कहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसका लिखा आ गया है, इसको जिंजर बोला जाता है। और भी आप इस पर क्लिक करने के बाद इसकी बाकी की जानकारी ले सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से बैक करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी पर आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पिक्चर पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा आ गया है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की सीड्स लिखी आ गई हैं, अलग अलग उसकी जानकारी यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट होमवर्क पर। आप होमवर्क पर जाने के बाद जो है, देखिए मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन लिख रखी है, छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं 3+4 का स्क्वायर, यहाँ आप क्लिक करेंगे 3+4 का स्क्वायर और यहाँ रिजल्ट में देखेंगे तो ये देखिए इसका आंसर आ गया है 49। आप इसको पूरा देख सकते हैं कैसे ये कैलकुलेट किया गया, कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका आंसर आ गया है 49। नेक्स्ट आप ऊपर देखेंगे, ये मैंने लिख रखा है 10+25। आप इस पर जाएंगे, यहाँ टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। 10+25 होता है 35। देखिए ये सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर 35 नज़र आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी कर सकता है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर शॉपिंग लिखा हुआ है, प्लेसेस लिखा हुआ है, डाइनिंग लिखा हुआ है। आप यहाँ शॉपिंग पर जा सकते हैं। शॉपिंग पर जाने के बाद आपको अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसका QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम इसका QR कोड स्कैन करेंगे,
ये QR कोड करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है। देखिए कंगारू सिंस 1959, ये जो हमारा स्टेपल्स जो आते हैं स्टेपल करने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं उसके QR कोड को हमने यहाँ पे स्कैन किया और गूगल की मदद से यहाँ पर आपको दिखा दिया गया कि ये क्या है। तो आप ऐसे भी किसी भी QR कोड को इजीली यहाँ से स्कैन करके जो है उसकी जानकारी को ले सकते हैं। आप प्लेसेस पर आ सकते हैं, प्लेसेस पर आने के बाद ये आपको गूगल मैप पर लेकर जाएगा। गूगल मैप पर आप किसी भी बिल्डिंग की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं तो ये आपको उस बिल्डिंग से संबंधित जानकारी दे सकता है। आगे एक ऑप्शन है डाइनिंग का, डाइनिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो है फूड मेन्यूज़ को भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, आप यहाँ से एक ये जो देख रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये गैलरी दिख रही है, इस गैलरी को यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आप किसी भी फ़ोटो की मदद से भी जाकर जो है आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम हमारा ये आज का थंबनेल लेते हैं, थंबनेल हमने यहाँ पर लिया और आप देख सकते हैं ये इसको भी जो है यहाँ से इजीली कॉपी कर पा रहा है। इवन आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में करके यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।